नमस्कार, मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये मेरी लेक्चर सीरीज़ का 29th वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ योग के बारे में बताऊंगा। इससे पहले भी दो वीडियो में मैंने आपको कुछ स्पेशल योग के बारे में बताया हुआ है कि जो कुंडली की बिल्कुल काया पलट देते हैं। कुंडली देखने में ऐसी लगती है कि बहुत अच्छी कुंडली नहीं है, लेकिन जब ये योग उस कुंडली में होते हैं तो वो काया पलट देते हैं। इन योग को थोड़ा पहचानना मुश्किल होता है, तो ऐसे ही योग मैंने आपको लास्ट के दो वीडियो में बताए हैं। आज मैं तीसरी वीडियो में भी आपको ऐसे ही कुछ योग बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला योग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस योग में क्या है कि शुक्र लग्न में बैठा हो, किसी भी जातक की कुंडली को देखिए, अगर आपको कुंडली में अगर शुक्र लग्न में बैठा दिखाई पड़ता है, शुक्र लग्न में है और अश्वनी नक्षत्र में है, लग्न में हो और अश्वनी नक्षत्र में हो और तीन ग्रह उसको देखते हो, देखिए कौन दिख रहा है, बृहस्पति दिख रहा है सातवीं दृष्टि से, मंगल सातवीं दृष्टि दिख रहा है, शनि थर्ड दृष्टि दिख रहा है, 1, 2, 3 और तीन ग्रह उसको देखते हो, तो ऐसे जातक के वारे नहारे होते हैं। मतलब उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और बहुत ही टॉप क्लास बंदा होता है जातक जो होता है। ये आप ध्यान रखिए कि जिसकी कुंडली में शुक्र लग्न में बैठा हो और लग्न को वो अश्विनी नक्षत्र में हो और शुक्र को तीन ग्रह देखते हो, कोई से भी तीन ग्रह हो, वो डिपेंड नहीं करता कि वो शुभ होने चाहिए या अशुभ ग्रह होने चाहिए, एनी थ्री प्लैनेट्स, कोई भी तीन प्लैनेट्स को देखते हो तो ये वाला योग बनता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी ध्यान रखिए कुंडली देखते हुए हमेशा कि नहीं ऐसा तो योग अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो उस कुंडली में बिल्कुल ही भाग्य चेंज हो जाता है, चाहे कितने ही बेकार बहादुर योग पड़े हों उसके अंदर। दूसरा एक ये छोटा सा एक दोष है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अक्सर कुंडलियों में आपको देखने में मिलेगा। क्या इसमें क्या होता है, शनि चौथे भाव में हो, शनि इस कुंडली में चौथे भाव में है, ये अक्सर मिल जाता है देखने के लिए कि शनि चौथे भाव में हो और जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी पीड़ित हो, वीक हो। जैसे शनि है कन्या राशि में, कन्या राशि का स्वामी हुआ बुध, बुध कहाँ बैठा है, अष्टम भाव में, 8th हाउस में, तो पीड़ित हो गया, वीक पड़ गया क्योंकि 8th हाउस में चला गया। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो जवानी में तो पूरी ऐश से जीते हैं, सब कुछ रहता है उनके पास, गाड़ियाँ बंगले एवरीथिंग, लेकिन जहाँ उनका बुढ़ापा आता है वो बहुत ही दरिद्रता में बीतता है, बुढ़ापा उनका बहुत गरीबी में बीतता है। ये कुंडली मैं नाम नहीं लूँगा, स्पेशली एक मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म अभिनेत्री की है जो अब दुनिया में नहीं रही हैं, उनकी ये कुंडली है। तो इस तरह की कुंडली में जब शनि चौथे घर में बैठा हो सुख वाले भाव में और शनि जिस राशि में बैठा है यानी कि कन्या में, उसका स्वामी कौन हुआ, बुध, बुध अगर पीड़ित है, बुध पीड़ित इसलिए है क्योंकि वो अष्टम भाव में आ गया है, तो बुध अगर पीड़ित हो तो उस केस में ये वाला योग बनता है। तो ऐसे लोगों को जिसकी कुंडली में ये वाला है वो गांठ बांध के रख लीजिए कि उनको कभी भी ज़्यादा खर्चा जवानी में नहीं करना है, पैसा आगे के लिए बचा के रखना है, ये चीज़ बिल्कुल रख लीजिए, आप समाज के रख लीजिए, संभल के रख लीजिए कि वो जवानी में पैसा खर्च ज़्यादा ना करें, पैसा उन पर बहुत होता है, करें बचा के भी रखें ताकि बुढ़ापा भी सही से बीते। तो ये कुछ ऐसे योग होते हैं, कुछ ऐसे दोष होते हैं जिन पर हम पहले ही काबू कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा योग बताने जा रहा हूँ जो सबसे हटकर है, ऑल दो ये किसी कुंडली में मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसकी कुंडली में मिल गया समझिए कि वो दुनिया से अलग हो जाता है, एलियन तो नहीं कहूँगा उसको लेकिन दुनिया से अलग होता है। कैसे, मेष लग्न की कुंडली हो, मेष लग्न है, नंबर वन कंडीशन ये है कि मेष लग्न की कुंडली हो, 12वें भाव में बृहस्पति शुक्र और शनि तीनों बैठे हों, बैठे हैं, मेष लग्न की कुंडली हो, 12वें भाव में बृहस्पति शुक्र शनि तीनों बैठे हों और मंगल सूर्य को देखता हो, मंगल चौथी दृष्टि दिख रहा है, 1, 2, 3, 4 और मंगल सूर्य को देखता हो, तो ऐसा जातक क्या होता है, ऐसा जातक शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा राजा होता है कि जब उसकी सेना चलती है तो सेना के चलने से इतनी धूल उड़ती है कि दिन में भी शाम का अंदेशा होने लगता है, यानी इस तरह की उसकी रेपुटेशन होती है कि जब वो निकलता है, जब वो चलता है तो दुनिया देखती है उसको, इस तरह का आदमी। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी कुंडली में ये वाला योग बन जाए, जिनकी मेष लग्न कुंडली हो, बृहस्पति शुक्र शनि 12वें भाव में हो और मंगल सूर्य को दिखता हो, तो ऐसा जातक बिल्कुल इस दुनिया से अलग होता है, बहुत ही हाई क्लास बोलते हैं जैसे कि बहुत ही हाई क्लास होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे एक्टिंग के फील्ड में हो, चाहे पॉलिटिक्स के फील्ड में हो, किसी में भी हो, मतलब वो टॉप क्लास होगा,
ये एक ऐसा योग बन जाता है, ये भी बहुत एक सुखद योग है, बन जाता है। तो मैंने आपको ये तीन योग आज बताए, इनको आप थोड़ा ध्यान रखिए, ये कुंडली में आप लगा के देखिए। हालांकि कुछ योग ऐसे हैं जो अक्सर कुंडली में नहीं मिलते हैं, बट कुछ योग ऐसे हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि जो कुंडली में नॉर्मली मिल जाते हैं, जिनके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, और उनको देख के हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं इस तरह से अपनी नई नई वीडियोज़ आपको शेयर करता रहूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।